बाल बाल बची है ऊपर के अंदर आया, उसको बिल्कुल समझ नहीं पाए, थोड़ा सा रुको भी ऊपर से गया है। वरना ये भी यकीन काफ़ी अच्छी लाइन अलग पे बोल कर रहे हैं फिर अच्छे बात। आउट कर दिया विकेट हासिल कर शहजाद ने अब्दुल्ला शफीक को चलता किया बहुत अच्छी लाइन लेंथ के साथ पहली कामयाबी और एक अच्छा बॉल अच्छी हाइट पे था। ट्रॉफी के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं कुरम शहजाद, बड़ी ही अच्छी लाइन लेंथ पे बॉल करते हैं। अच्छा बॉल कुरम शहजाद का, बाबर पूरे तरीके से बीट हुए। शान मसूद सामना करेंगे कुरम शहजाद का जो वेरी गुड बॉल अंदर की जाने में काफी शान मसूद को बॉल लग गया है। विकेट जो है वो ऑस्ट्रेलियन कंडीशन के मुताबिक बनाया गया है क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ट्रैक बहुत तेज़ है, इसलिए बॉलर को ज़्यादा फ़ायदेमंद ट्रैक मिले। शान 11 शाइन 11 के दरमियान मैच चल रही है दो रोज़ा टेस्ट में। अच्छा सीधा शाइन अफरीदी के पास खुरम शहजाद भागेंगे बॉल करने के लिए भाग रहे हैं बॉल की और शान मसूद अच्छा बॉल सब भागे बॉल की जाने बॉल करेंगे शान मसूद ये बाहर निकाला उन्होंने और कट करना चाहते थे बॉल के बैट के अंतर से बॉल क्रॉस किया उसको काफी लकी रहे एक स्लिप दी गई है क्योंकि जिस तरह से बॉल अंदर से हुआ था हेड लगकर जो है वो लेग डी फाइव लेग की तरफ जा सकता है इसलिए लक्ष्मी दी गई है। और अच्छा बॉल बहुत ही करीब से गया है विक्टर के बॉल पढ़ के अंदर आ रहा है तुरंत के बाद पूरा फायदा उठा रहे हैं इस पिच का बाउंसिंग ट्रैक है और इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं अच्छी लाइन लाइन पे बॉल कर रहे हैं और शानदार एक किस्म का स्पेल है इस दौरान कुरम शहजाद का। डोमेस्टिक में बड़ा ही अच्छा परफॉर्म कर रखा है कुरम शहजाद ने अगला बॉल करवाने के लिए आए अंपायर को क्रॉस किया बॉल की और वही चार